अम्मा तो काफ़ी खुश है, अम्मा बहुत खुश है दीव को अपने पैरों पर गिरा कर। वैसे स्नेहा को पर्सनली नहीं अच्छा लग रहा है। ये सीन ऐसा था कि अम्मा ने चुनौती दी थी देव को कि सब मतलब बर्बाद कर दूंगी मैं सबको एक पॉइंट पे आके, और वो बहुत टाइम से ये प्लान एग्जीक्यूट कर रही थी एंड फाइनली उसका प्लान एग्जीक्यूट हो गया है। फाइनली उसने मतलब उसको फाइनेंशियली उसने देव को पूरी तरीके से हिला दिया। मुझे नहीं पता, आप विधि से पूछ लो ना। मैं क्या कहना चाहूँगी, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। साड़ी तो वैसे ही देखो बेसिकली अम्बा का लुक ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी है नहीं, वो साड़ी ही पहनती है और मुझे ऐसा लगता है कि हर इंडियन औरत साड़ी में बहुत अच्छी लगती है। सो या आई मीन आई डोंट नो व्हाट टू से ऑन दिस। एटीट्यूड एटीट्यूड तो देखो वो एक अम्बा का जो कैरेक्टर है ना, इट्स बिल्ट अप ऑन एटीट्यूड। उसका जो एक पर्सोना है, उसका ऑरा है कि जहाँ से वो चलती है, जहाँ पे वो आती है, वहाँ पे एकदम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है वहाँ पे। तो आई थिंक इट्स मोर अबाउट द कैरेक्टर, वैसे मैं नहीं, इट्स अबाउट अम्बा। थैंक यू वेरी मच। वो पॉजिटिविटी मेरे अंदर से आती है, मेरे दिल से निकलती है, दैट्स जस्ट मी। मैं अपने फैंस को कहना चाहूँगी कि देखते रहिए शो, मज़े करिए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट। एंड मुझे बहुत मज़ा आता है जब मुझे लोग मैसेजेस कर दे कि अम्बा इज़ सो एंटरटेनिंग। मतलब वो विलन तो है ही, वो वैम्प है ही, बट उसके साथ साथ शी इज़ वेरी एंटरटेनिंग। तो मुझे बहुत मज़ा आता है। एट द एंड ऑफ द डे हम ये शो क्यों बना रहे हैं, लोगों के लिए बना रहे, ऑडियंस के लिए बना रहे, उनको खुशी मिलती है तो हमको खुशी मिलती है। इसलिए थैंक यू वेरी मच, और हमारा शो भी देखते रहिए।